मैं मुजफ्फरनगर जिला के सिकेटा गांव के पास एक गांव का गुज्जर जमींदार परिवार में पैदा हुआ। 11 अप्रैल 1984 मेरी जन्मतिथि है। मेरे पिताजी ने नाम श्याम सुंदर रखा। मेरा खानदान पढ़ा लिखा खानदान है। मेरे चचा सरकारी अफसर हैं। मेरे वालिद भी मास्टर थे और 70 बीघा जमीन भी थी। मेरे बड़े भाई फौज में है। एक बहन है, उनकी शादी सरकारी स्कूल के टीचर से हुई है। मैंने हाई स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी और फिल्म देखना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना और आवारा लड़कों के साथ रहना मेरा काम था। मेरे पिताजी ने मुझे पन्ने पर जोक दिया तो मैं घर से भाग गया। मेरी संगति अच्छी नहीं रही और मुझे गोलियां खाने की आदत हो गई। काफी दिनों के बाद मैं किसी तरह घर आया, मगर मेरा ताल्लुक गलत लोगों से था। खर्च घर वाले देते नहीं थे, मैंने खर्च बढ़ा रखा था। मजबूरत घर से चोरी करता, कभी कुछ निकाल कर बेचा था, कभी कुछ घर वालों ने एहतियात की तो फिर बाहर से चोरी करने लगा। बात कट गई और मैं लूट मार करने वाले लड़कों की गैंग में जा मिला और मेरे अल्लाह की रहमत पर कुर्बान की यह गैंग ही मेरी नैया पार लगा गई। असल में मेरा खानदान और पूरा परिवार बड़े सज्जन लोगों का परिवार है। मेरे घर वालों के ज्यादातर मुसलमानों से संबंध रहे हैं। मेरा बचपन भी इसी माहौल में गुजरा। मैं बदकिस्मती से इस माहौल से दूर होता रहा, मगर मुझे इस गलत माहौल से स्वभाव के लिहाज से मेल महसूस न हुआ। पिछले साल दुखेटी जलसा से वापस आते हुए रात को मंसूरपुर से पहले आपके और हम सबके अभी मौलाना कलीम साहब की गाड़ी पर बदमाशों ने गोली चला दी थी। हमारे ड्राइवर सलीम मियां के 2 गोलियां लगी थी, एक हाथ में अंदर घुस गई थी, दूसरी गोली बिल्कुल दिल के सामने सीने पर लगी थी। कुर्ता बुरी तरह फट गया, 315 की गोली, मगर कलाई से अल्लाह की रहमत से बस छूकर वापस हो गई। अल्लाह ताला अपने सच्चे बंदों को साथी भी ऐसे देते हैं कि गोली लगने के बावजूद सलीम ने गाड़ी को 2-3 किलोमीटर उल्टा बैक गियर में दौड़ दिया और मौका लगाकर मोड़ा और 10 किलोमीटर दूर जाकर बताया कि मुझे गोली लग गई है और हौसला नहीं खोया, वरना हमारे साथी तो कह रहे थे कि हमने ऐसा निशाना बनाकर गोली सामने से मारी थी कि हमको यकीन था कि ड्राइवर तो मर गया होगा, कोई बराबर वाला गाड़ी भगा रहा है। वह गोली चलाने वाले लोग सब मेरे साथ ही थे, मगर मेरे अल्लाह का करम था, मैं 2 हफ्ते से बीमार हो गया था और मुझे पीलिया हो गया था। मैं मुजफ्फरनगर अस्पताल में भर्ती था। यह खबर पूरी इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। हम 8 लोगों का गैंग था, सिर्फ एक हिंदू था और सब 7 लोग मुसलमान थे। इत्तेफाक से मरे अलावा 7 उस रोज उस वाकये में मौजूद थे। खतौली कोतवाली ने CID इंचार्ज को बुलाया और दोनों ने कसम खाई कि ऐसे सज्जन भले और महान आदमी की गाड़ी पर हमारे क्षेत्र में यह हमला हुआ है, हमारे लिए डूब मरने की बात है। कसम खाकर अहद किया कि जब तक मुजरिमों को पकड़ न लेंगे उस वक्त तक खाना नहीं खाएंगे। भला ऐसे लोगों पर गोली चलाने वाले कब बच सकते थे। तीसरे रोज उनमें से 3 पिटाए गए और पिटाई पर सबने बता दिया। बाकी 4 भी 1 हफ्ते में गिरफ्तार हो गए। बहुत से केस लूटमार चोरी डाके के खुले और थाना इंचार्ज ने ऐसे केस बनाए कि जमानत तो सालों तक मुमकिन ही नहीं थी न हुई। 1 हफ्ते के बाद मेरी बदियात कुछ ठीक हुई, दोबारा खून भी चढ़ा तो मेरी छुट्टी हुई। 2 हफ्ते तक घर पर ही रहा। साथियों के पकड़े जाने की खबर मुझे मिल गई थी। मेरा खून सूखता था कि सख्ती में मेरा नाम न ले लिया तो, मगर 2 महीने तक जब हमारे घर पुलिस ने आई तो कुछ इत्मीनान हुआ, कुछ तबीयत भी ठीक हो गई तो मैं किसी तरह मौका लगाकर जेल में मिलाई करने गया। जेल में साथियों ने सारा मामला बताया और मुझे बधाई दी कि तू बीमार हो गया, वरना तू भी हमारे साथ जेल में होता। मुजफ्फरनगर जेल में उनकी मुलाकात कुछ कैदियों से हुई जो मौलाना साहब के उन साथियों की कोशिश से जिनको दुश्मनी में लोगों ने झूठे कत्ल के केस में फंसा दिया था मुसलमान हो गए थे। उन कैदियों से मिलने मौलाना कलीम कई बार जेल आए। जेल वालों से मौलाना साहिब और उनके घर वालों और उनकी वालिदा के बारे में कहानियां सी सुनाते रहते थे। उनके घर का हाल यह है कि अपने चोरों को खुद छुड़ा कर लाते हैं, मुआफ करते हैं, उनके घर राशन पहुंचाते थे। कोका गांव के एक मेरे साथी ने जो हमारा सरदार था मुझसे कहा, तू फुलत जाना और मौलाना साहब को हमारी परेशानी बताना और खूब रोना, मुंह बनाकर खूब परेशानियां बताना। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, भला उनके यहाँ जाने का किस तरह मुंह हो सकता है, मगर वह जोर देता रहा, तू जाकर देखना वह तुझे कुछ नहीं कहेंगे। उनसे कहना सब साथी दिल से मुआफी मांग रहे हैं और सभी अहद
कर रहे हैं कि यह बच्ची जिंदगी गुजारेंगे और आपके मुरीद भी बन जाएंगे। मेरी हिम्मत न हुई हफ्ते दो हफ्ते के बाद वह मुझे जोर देते रहे। बार बार कहने पर मुझे उनके हाल पर तरस आ गया और मैं पता लेने के बाद फुलक पहुंचा। सर्दी का जमाना था, रास्ते में बारिश हो गई और मैं भीग गया। मौलाना साहब जोहर दोपहर की नमाज के लिए जा रहे थे। नमाज का वक्त करीब था, मुझे देखा मालूम किया, कहां से आए हो? मैंने अपने गांव का नाम बताया। मौलाना साहब घर में गए और मेरे लिए एक शर्ट पैंट लेकर आए और बोले, सर्दी सख्त हो रही है, आप अंदर जाकर कपड़े बदल लीजिए। मेरा नाम पूछा, मैंने बताया श्याम सुंदर, तो उन्होंने रजाई में बैठ जाने को कहा और अंदर से बच्चे को एक कप चाय लाने को कहा। नमाज के लिए जाते वक्त हंसते हुए बोले, आप तो इस इलाके के मेहमान हैं जहां हमारी अच्छी मेहमानी हुई थी। हमारे ड्राइवर के गोली लगी थी। मैं यह सुनकर सहम गया। मेरे चेहरे के उतरने से मौलाना बोले, आप क्यों शर्माते हैं, कोई आपने गोली नहीं चलाई थी, आप तो हमारे मेहमान हैं। मौलाना साहब नमाज पढ़ने चले गए। जमाज पक वापस आए तो मैंने अलग बात करने के लिए कहा। बराबर के छोटे कमरे में मुझे ले गए। मैंने अपना तारुफ कराया और अपने साथियों का हाल और उनके घर का हाल खूब बनावती रोना बनाकर सुनाया और मौलाना साहब से कहा, आप चाहें तो उनकी जमानत हो सकती है। मौलाना साहब ने कहा, न हमने उनको गिरफ्तार किया है और हम उनको मुजरिम कम और बीमार ज्यादा समझते हैं। ऐसे सच्चे और अच्छे दीन को मानने वाले ऐसे रहम भरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले ऐसी बेधक लोगों की जाने लेंगे तो फिर दुनिया का क्या होगा। उनका इलाज यह है कि उनका से कह क्या उम्र कैद में रहो या तीन जिले के लिए जमानत में चले जाओ। अगर वह सच्चे दिल से अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं तो वह जिस से सीधे तीन जिले के लिए सातों जमानत में चले जाए। हम खुद गवाही देने के बजाय उनकी जमानत को तैयार हैं। मौलाना साहब ने मुझसे कहा, आप पहले खाना खा ले, मैं अभी आता हूँ। एक साहब अंदर से खाना ले आए। थोड़ी देर में मौलाना आए और मुझसे कहा, अपने साथियों की जेल की तो तुम फिक्र करते हो, तुम्हें भी एक जेल में मरने के बाद जाना पड़ सकता है। वह जेल हमेशा की है जिससे जमानत भी नहीं है। वह नरकी जेल है जिसकी ऐसी सजाएं हैं जिनका तसव्वुर कल्पना भी यह दुनिया की पुलिस वाले नहीं कर सकते। उस जेल से बचने के लिए यह किताब पढ़ो। यह कहकर पुस्तक आपकी अमानत आपकी सेवा में मुझे दी। फिर वह एक साथी को मेरे पास भेज कर चले गए, इनसे बात करो। वह मुझे मुसलमान होने के लिए कहते रहे और बोले, तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि मालिक ने आपको इस बहाने हमारे हजरत के राह भेज दिया। मालिक की मेहर होती है तो अल्लाह इस दर का पता देते हैं। मैंने उनसे इस किताब गुपने का वादा किया और इस लिहाज से खुश खुश घर लौटा कि 4 महीने जमानत में जाना तो बहुत आसान है। मैंने अगले रोज जेल जाकर साथियों को खुशखबरी सुनाई। उन्होंने पूरी बात सुनी और बहुत रोए। ऐसे आदमी के साथ हमने बड़ा जुर्म किया और फिर उन नव मुस्लिम कैदियों के साथ रहने लगे। नमाज पढ़नी शुरू कर दी, रोजाना तालीम में बैठने लगे और 3 कैदी उनके कहने से भी मुसलमान हो गए। मैंने दूसरे रोज वह किताब पढ़ी। एक अजनबी आदमी के साथ मौलाना साहब के बर्ताव ने मेरे अंदरून को मौलाना का कर दिया और मुझे अंदर में ऐसा लग रहा था कि मैं मौलाना का गुलाम हो गया हूँ। इस किताब ने मुझे भी जज्बाती भावुक बना दिया। मैं 3 दिन के बाद फुलत गया, मौलाना नहीं मिले, बहुत मायूस लौटा। दूसरी बार गया तो मालूम हुआ कि वह आए थे और आज ही हज के सफर पर चले जाएंगे और 1 महीने के बाद आएंगे। एक एक दिन करके दिन गिनता रहा, मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने 1 महीना सालों की कैद की तरह गुजारा। अल्लाह का करा हुआ मैंने फुलत फोन किया। मालूम हुआ कि मौलाना साहब आ गए हैं और कल तक रहेंगे। 16 जनवरी को सुबह मैंने मौलाना साहब के पास जाकर कलमार पर धाक में मैं मौलाना साहब से कहा कि मेरे पिताजी मुझे मारते और डांटते तो कहा करते थे कि नालायक हमारे बेटे तो यह कहा करते थे कि इंसान वे है कि उसके दुश्मन भी उससे फायदा उठाए। तूने अपने ही घर को नर्क बना दिया। मैं यह सुनकर कहता, ऐसे लोग किसी दूसरे लोक में होंगे, लेकिन आपके कातिलों के साथ रहना मेरे लिए ईमान लाने का जरिया बन गया। मौलाना साहब ने कहा, मैं क्या बल्कि वह मालिक जिसने पैदा किया उसको आप पर रहम आ गया। आप रहमत की कद्र करें। मेरा मौलाना साहब ने शमी महमद नाम रखा। दूसरे रोज मेरे कागजात मेरठ भिजवाकर बनवाए और मुझे साथ लेकर मौलाना साहब दिल्ली गए और एक मौलाना के साथ मुझे मरकज भेज दिया। सीतापुर चिल्ला लगा, कुछ नमाज वगैरह रातों मैंने सीख ली। वापस आकर मैंने कारगुजारी सुनाई। मौलाना साहब ने कहा,
40 दिन में अगर आप कलमा भी अच्छी तरह याद करके आ गए तो काफी है। आपको नमाज भी अच्छी खासी आ गई है, दोबारा जाकर और अच्छी तरह याद कर लेना। कुछ रोज में मुजफ्फरनगर एक मदरसा में रहा, फिर जमात में दोबारा गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैंने एक पारा भी पढ़ लिया और उर्दू भी पढ़ना सीख ली। घर वालों और साथियों के लिए दुआ भी की। वापस जाकर जेल गया और साथियों से जमानत और मुसलमान होने की कारगुजारी सुनाई। वह बहुत खुश हुए। अब इंशाअल्लाह जल्दी उनकी जमानत होने वाली है। दो लोगों की जमानत तो किसी तरह हो गई, मगर मैंने उनको भी तैयार किया है। वह सातों इंशाअल्लाह जल्द 4 महीने की जमानत में जाने वाले हैं। मेरे घर वाले यह समझ रहे थे कि फिर गैंग में चला गया हूँ। मेरे घर से बाहर जाने के वह आदि थे, उनके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। टोपी उठकर कुर्ता पहनकर मैं घर पहुंचा तो घर वाले हैरत में पड़ गए। शुरू में मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए, फिर मैंने फुलत जाने की ओर वहां की सारी रिपोर्ट सुनाई तो वह खामोश हो गए। मैंने एक दिन बहुत खुशामद से उनसे वक्त लिया, कमरा बंद करके 2 घंटे उनसे दावत की बात की, फिर किताब आपकी अमानत आपकी सेवा में उनको दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनके दिल को फेर दिया और वह फुलत जाकर मुसलमान हो गए। हमारे गांव में मुसलमान नाम के बराबर हैं। मौलाना साहब ने उसे अभी इजहार और ऐलान करने के लिए मना कर दिया है। अलबत्ता वह घर वालों को समझाने में लग रहे हैं। खुदा करे हमारा सारा घर जल्द मुशर्रफ बेइस्लाम हो जाए। पैगाम मुसलमानों को। मेरा मुंह कहाँ कि मैं कुछ कह सकूं, मगर मैं जरूर कहूंगा जो मौलाना साहब कहते हैं कि मुसलमान अपने को दाई और सारी इंसानियत को मधु समझने लगे तो सारी दुनिया रिश्क जन्नत बन जाएगी और दाई तबीब डॉक्टर और मधु मरीज होता है। वह आदमी नहीं जो अपने मरीज से मायूस हो, और वह भी तबीब हकीम डॉक्टर नहीं जो मरीज से नफरत करे, इससे कराहत करे, उसे धक्के दे दे। मुसलमानों ने अपने मरीजों को अपना हरीफ अपना दुश्मन समझ लिया है। इसकी वजह से अपने मरीजों को अपना हरीफ अपना दुश्मन समझ लिया है। इसकी वजह से खुद भी पिस रहे हैं और पूरी इंसानियत ईमान और इस्लाम से महरूम वंचित हो रही है। सभार प्रकाशित उर्दू महनामा अरमगान जून 2007। नसीम हिदायत के झोंके उर्दू हिंदी इंटरव्यू नंबर 32। प्लीज विजिट आवर वेबसाइट fullit.blogspot.in। थैंक यू।